सभी विद्यार्थियों को आठवीं और कक्षा में स्वागत करती हूँ। जैसे कि विद्यार्थियों, हमने देखा था कि आपका जो पाठ्यक्रम था वह सभी पाठ और कविता खत्म हो चुके हैं। तो हम आज क्या करेंगे, आपका जो व्याकरण है इस व्याकरण के बारे में देखेंगे। तो आज हम व्याकरण के बारे में देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपके जो विरुद्ध शब्द है, अन्य लिंग है, पत्र लेखन है और अन्य वचन है, यह सब क्या हो गए हैं, खत्म हो चुके हैं। तो हमने प्रेरणार्थक भी देखा था, तो प्रेरणार्थक भी क्या हो गया है, खत्म हो गया है। तो विद्यार्थियों, आज हम विराम चिन्ह के बारे में देखेंगे। तो आपका आज का जो यह व्याकरण भाग है विराम चिन्ह। तो विद्यार्थियों, विराम चिन्ह का अर्थ है और विराम चिन्ह के जो प्रकार है इसके बारे में देखेंगे। तो विद्यार्थियों, विराम चिन्ह देखिए, जो चिन्ह बोलते या पढ़ते समय रुकने का संकेत देता है उन्हें हम क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। विद्यार्थियों, जैसे कि आपको पता है, आप विराम चिन्ह का मतलब पूछने पर कहते हैं कि जो पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम को विराम चिन्ह कहते हैं। तो यहाँ पर जो चिन्ह बोलते या पढ़ते समय रुकने का संकेत देता है उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। विद्यार्थी गणे, आत्मीय विद्यार्थी गणे, नवीन नुडिदु पंद्र निम्म पद्य हागू गद्य इवेल्लवू एनगेवु मुक्तायगोंडिवे। इन्नु ना व्याकरणद भागद कडेगे नोडबेकाद्रे निमगे विरुद्ध पद, समानार्थक पद, अन्य वचन हागू अन्य लिंग इदर बग्गेनु निमगे नावु कळेद ओंदु तिंगळल्लि एल्ला ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದೀವಿ. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಕರಣ ಭಾಗದ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನದ ಅರ್ಥ, ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಅಥವಾ ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮ ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ವಿರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ, ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನದ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನದ ಅರ್ಥನ ಏನ್ ಹೇಳಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, विराम जो चिन्ह बोलते या पढ़ते समय रुकने का संकेत देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विराम चिन्ह। ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ಅಥವಾ ಓದುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತೀವಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿರಾಮ ಚಿನ್ಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಜೋ ಚಿನ್ಹ, ಯಾವ ಚಿನ್ಹ ಹೇಳುವಾಗ ಅಥವಾ ಓದುವಾಗ ಅಥವಾ ಬರೆಯುವಾಗ ನಿಲ್ತತಿ, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತತಿ, ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತಿರ್ತೀವಿ, ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಮುನ್ನೇ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನ ಕೇತೆ, ಅದಕ್ಕ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನ ಅಂತೇವೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತತಿ, ನಾವೇನು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತೀವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಾಗ. ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನ ನೋಡಿ, ಅರ್ಧ ವಿರಾಮ ಬರ್ತೈತಿ, ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಬರ್ತೈತಿ, ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮ ಬರ್ತೈತಿ, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅರ್ಧ ವಿರಾಮ ರೀ, ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನದ ಪ್ರಕಾರಗಳು, ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನದ ಅರ್ಥ ಇವತ್ತಿನ ನಾವು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನದ ಅರ್ಥ, ಜೋ ಚಿಹ್ನ ಬೋಲ್ತೆ ಯಾ ಪಡ್ತೆ ಸಮಯ ಹಮ್ ರುಕ್ ಜಾತೆ ಹೇ ಉಸೆ ಹಮ್ ಕ್ಯಾ ಕಹತೆ ಹೇ, ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನ ಕಹತೆ ಹೇ. ಆಪ್ಕೊ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮೇ ಯಾ ಭೀ ಪ್ರಶ್ನ ಆ ಸಕ್ತಾ ಹೇ ಕಿ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನ ಕಾ ಅರ್ಥ ಲಿಖಿಯೆ. ತೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೋ, ಯಾ ಲಿಖಿಯೆ, ಜೋ ಚಿಹ್ನ ಬೋಲ್ತೆ ಯಾ ಪಡ್ತೆ ಸಮಯ ರುಕ್ನೆ ಕಾ ಸಂಕೇತ ದೇತಾ ಹೇ, हमें बोलते समय या पढ़ते समय रुकने का जो संकेत देता है उसे ही हम क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं. तो विद्यार्थियों, विराम चिन्ह का अर्थ हमने देखा है. तो यह भी आपको दो अंक के लिए प्रश्न आ सकता है कि विराम चिन्ह का अर्थ क्या है. देखिए, विराम चिन्ह का अर्थ है जो चिन्ह बोलते या पढ़ते समय रुकने का जो संकेत देता है उसे हम क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं. देखिए विद्यार्थियों, तो हम विराम चिन्ह के प्रकार आज देखेंगे. विराम चिन्ह में नौ क्या है, प्रकार है, नौ प्रकार के विराम चिन्ह है. तो आज हम विराम चिन्ह के प्रकार के बारे में देखेंगे. तो पहला जो है अल्प विराम, देखिए अल्प विराम पहला जो विराम चिन्ह का पहला प्रकार है वो है अल्प विराम. तो विद्यार्थियों, अल्प विराम हम हिंदी में ऐसे लिखते हैं, मतलब अल्प विराम का
चिन्ह है यह। देखिए अल्प विराम का चिन्ह जैसे कि हम कन्नड़ में या इंग्लिश में कॉमा कहते हैं, वही हिंदी का जो क्या है अल्प विराम का चिन्ह। तो दूसरा है अर्ध विराम। देखिए विद्यार्थियों जो दूसरा चिन्ह है वह है अर्ध विराम। देखिए अर्ध विराम मतलब ये, जैसे कि ये चिन्ह आता है तो हम अर्ध विराम कहते हैं। तो तीसरा प्रकार है पूर्ण विराम। हिंदी के विराम चिन्ह में 9 प्रकार है। तो पहला प्रकार है अल्प विराम और उसका चिन्ह, दूसरा जो अर्ध विराम है उसका चिन्ह है, और तीसरा जो है वह है पूर्ण विराम। जैसे कि हम हिंदी में लिखते हैं रमेश पुस्तक पढ़ता है, तो जहां हम ये पूर्ण विराम के बाद चिन्ह लिखते हैं तो वह है पूर्ण विराम। तो चौथा प्रकार है विराम चिन्ह में प्रश्न चिन्ह। देखिए विद्यार्थियों जैसे कि आपको पता है प्रश्न चिन्ह, जैसे कि एक प्रश्न के बाद हम चिन्ह लगाते हैं तो वह है प्रश्न चिन्ह, मतलब प्रश्न चिन्ह। इंटरनेट का अर्थ क्या है, देखिए उदाहरण का, तो जैसे कि हम चिन्ह लगाते हैं वह है प्रश्न चिन्ह। तो पांचवा जो है भाव सूचक या विस्मय आदि बोधक चिन्ह। देखिए जो भाव सूचक और विस्मय आदि बोधक चिन्ह है वह है ये चिन्ह का। और जो छठवां आपका विराम चिन्ह का प्रकार है वह है योजक चिन्ह। देखिए योजक चिन्ह जैसे कि हम लिखते हैं कि माता पिता, तो जो बीच में चिन्ह आता है उसे हम क्या कहते हैं योजक चिन्ह कहते हैं। तो विद्यार्थियों आपका सातवां जो चिन्ह है उद्धरण चिन्ह, जैसे कि हम जो लिखते रहते हैं वहां तो जरूरी या महत्व लिखना है, जो इम्पोर्टेंट लिखते हैं तो उसे हम डबल इम्पोर्टेंट कॉमा कहते हैं इंग्लिश में, और उसे ही हम क्या कहते हैं हिंदी में उद्धरण चिन्ह कहते हैं। तो आपका आठवां जो चिन्ह है वह है कोष्टक चिन्ह। देखिए जब हम कोष्टक में जब लिखते वक्त जो जरूरी है जो समझ में आए जैसा लिखते हैं तब हम कोष्टक चिन्ह डालते हैं, तो वह है कोष्टक चिन्ह। और आपके विराम चिन्हों में जैसे कि अंतिम जो चिन्ह है वह विवरण चिन्ह। तो विद्यार्थियों मैं इन सब के बारे में आपको विवरण दूंगी, उससे पहले मैं आपको विराम चिन्ह का अर्थ बताई हूँ। विराम चिन्ह के भेद है 9 भेद है, तो इसमें 9 प्रकार है। तो पहला है अल्प विराम और उसका चिन्ह है, तो दूसरा चिन्ह है अर्ध विराम, और तीसरा चिन्ह है पूर्ण विराम, और उसके आगे का जो चिन्ह है वह प्रश्न चिन्ह, और उसके बाद है भाव सूचक विस्मय आदि बोधक चिन्ह, और जो छठवां है वह योजक चिन्ह है, और सातवां है उद्धरण चिन्ह, और आठवां कोष्टक चिन्ह है, और जो अंतिम जो आपके विराम चिन्ह है उसमें है विवरण चिन्ह। तो विद्यार्थियों यह है 9 प्रकार के विराम चिन्ह। तो जैसे कि हमने बताया था कि जो चिन्ह बोलते या पढ़ते समय रुकने का संकेत देते हैं उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं, और विराम चिन्ह में कितने भेद हैं 9 भेद हैं। तो पहला है अल्प विराम। देखिए विद्यार्थियों थोड़े देर के लिए रुकना या ठहरना, अल्प विराम का मतलब है थोड़ी देर के लिए रुकना या ठहरना। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ, सतीश विवेक और विलीप खेलने के लिए घर जा रहे हैं। देखिए सतीश, तो यहाँ पर क्या आता है अल्प विराम कॉमा रमेश, दोनों विवेक के घर खेलने जा रहे हैं। मतलब हमने सतीश लिखा, सतीश के बाद अल्प विराम लिखा, उसके बाद हमने क्या लिखा रमेश लिखा, सतीश रमेश दोनों विवेक के घर खेलने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सतीश के बाद जो चिन्ह लगा रहे हैं वह चिन्ह है अल्प विराम चिन्ह। सतीश कॉमा अल्प विराम मतलब थोड़े देर रुकते हैं, इसे हम क्या कहते हैं अल्प विराम। सतीश अल्प विराम रमेश दोनों विवेक के घर खेलने जा रहे हैं।
जो सतीश के पास चिन्ह लगा रहे हैं विद्यार्थियों, वही क्या है? रुकने का या ठहरने का संकेत दे रहा है, तो वह अल्प विराम। नोड़ विद्यार्थी, नावे विराम चिन्ह प्रकार अंत प्रकार अल्प विराम अल्प विराम अंदर स्वल्प ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವ ಸಂಕೇತವನ್ನು ನೀಡುವ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮ। ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ, ಸತೀಶ್ ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮ, ಸತೀಶ್ ಬರೆದ ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ರಮೇಶ್, ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮ ರಮೇಶ್, ಇಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ವಿವೇಕನ ಮನೆಗೆ ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಯಾರು ಅಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಮಾಡಿ, ಸತೀಶ ಹಾಗೂ ರಮೇಶ ವಿವೇಕನ ಮನೆಗೆ ಆಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ। ಇಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಹತ್ತಿರ ನಾವು ಏನೇ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮನ ಹಾಕ್ತೇವೆ, ಅದೇ ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತದೆ। ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವ ಸಂಕೇತಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ? ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡನೇದೇ ಏನಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ವಿರಾಮ। ನೋಡಿ, ಅರ್ಧ ವಿರಾಮ ಜಹಾ ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮ ಸೇ ಅಧಿಕ ಔರ್ ಪೂರ್ಣ, विराम के कम रुकना जहाँ अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। देखिए, अल्प विराम का प्रयोग कहाँ करते हैं, मैं आपको एक उदाहरण दूंगी। खूब मन लगाकर पढ़। देखिए, यहाँ पर अल्प विराम लगाने का, यहाँ पर क्या है? खूब मन लगाकर पढ़। वहां पर मैं ठहर गई, मैं रुक गई, उसके बाद मैं सेंटेंस को क्या कर रही हूँ? कंप्लीट कर रही हूँ। तो परीक्षा निकट आ गई है, खूब मन लगाकर पढ़। अर्ध विराम, वहां पर रुकी हूँ, वहां पर क्या किया है मैंने? रुकी हूँ, उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ? आगे क्या बता रही हूँ? परीक्षा निकट आ रही है, तो वहां पर हम क्या करते हैं? अर्ध विराम लगाते हैं। जहाँ अल्प विराम से अधिक, अल्प विराम से अधिक मैंने वाक्य को लिया है, पूर्ण विराम से कम मैंने रुक गई हूँ, मतलब खूब मन लगा कर पढ़। वहां पर क्या हो गया है? मैं रुक गई हूँ, फिर आगे क्या कर रही हूँ? परीक्षा निकट आ गई है। तो जहाँ अल्प विराम से अधिक बोलते हैं और पूर्ण विराम से कम लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अर्ध विराम। तो तीसरा है विद्यार्थियों, पूर्ण विराम। जैसे इसका अर्थ है पूरी तरह से रुकना या ठहरना। देखिए, पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह से रुकना या ठहरना, इसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण विराम कहते हैं। मो यह गाय है। देखिए, यहाँ पर हम क्या कहते हैं? यहाँ पर लिख रहे हैं कि यह क्या है? गाय है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने पूरी तरह से रुक गई हूँ, यह गाय है। तो यहाँ पर पूर्ण विराम आया है, तो यह क्या होता है? पूर्ण विराम चिन्ह होता है। देखिए, पूरी तरह से जहाँ हम रुकते हैं उसे क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। विद्यार्थी, पूर्ण विराम इधर अर्थ निम्न गोते ना हिंदी वाला ये नो बंद सेंटेंस ना बोलता है अदन कंप्लीट मार दूंगा अभी हम गेरी है ना ये नहीं थे मतलब ना वे ना करते हैं उधर पूर्ण विराम अंतर करके पूर्ति आगे यानी ना स्टॉप आते भी पूर्ति आगे ना वे मिलते भी अदन ना वे ना करते भी पूर्ण विराम अंतर करके उदाहरण लिए यह गाय है। नो, यह गाय है ये ना तो ना पूर्ति वन सेंटेंस है तो अलग सेंटेंस ना एक मार दी कंप्लीट मार दी बंद गेरी है ना ये अदनी अदन ना वे ना करते भी पूर्ण विराम अंतर करते। ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಚಿಹ್ನೆ ಒಳಗ ಪ್ರಶ್ನ ಚಿಹ್ನೆ। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪ್ರಶ್ನ ಚಿಹ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ। ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ। ಜಿಸ್ ಚಿಹ್ನ ಸೆ ಪ್ರಶ್ನ ಪೂಜನೆ ಕಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೋತಾ ಹೇ ಉಸೆ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನ ಕಹತೆ ಹೇ। ಜಿಸ್ ಚಿಹ್ನ ಸೆ ಹಮ್ ಪ್ರಶ್ನ ಪೂಜತೆ ಹೇ ತೋ ವಹಿ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ चिन्ह है। जहाँ पर हम प्रश्न पूछते हैं तो उसे प्रश्नार्थक चिन्ह कहते हैं और यह चिन्ह ऐसा आता है। यहाँ मैं आपको एक उदाहरण दूं कि आपका नाम क्या है। देखिए, यहाँ पर मैंने बता रही हूँ कि आपका नाम क्या है। देखिए, यहाँ पर यह प्रश्न
जाती हूँ, तो यह क्या हो जाता है? प्रश्नार्थक चिन्ह हो जाता है। आपका नाम क्या है? मैंने आपको यहाँ प्रश्न पूछ रही हूँ, फिर उसके आगे जो चिन्ह लगा रही हूँ वही यहाँ पर प्रश्नार्थक चिन्ह होता है। तो विद्यार्थियों, जो अगला चिन्ह है वह है भाव सूचक विस्मयादिबोधक चिन्ह। देखिए, जिस चिन्ह का प्रयोग हर्ष, विस्मय, आश्चर्य, करुणा, भय आदि से लेते हैं, तो वह भाव सूचक और विस्मयादिबोधक कहलाता है। देखिए, यह जो है यह भाववाचक विस्मयादिक चिन्ह है। देखिए, हम यहाँ पर कह रहे हैं कि बहुत विस्मय होकर, बहुत हर्ष से कह रही हूँ कि वह यह ताजमहल कितना अच्छा है, तो इसे भाव सूचक विस्मयादिबोधक वाक्य या चिन्ह कहते हैं। देखिए, और मैंने यहाँ बता रही हूँ कि कितना अच्छा है, तभी हम यह चिन्ह क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। किसी को शाबाश कहते हैं तो भाव से विस्मयादिबोधक चिन्ह को लेते हैं, तो यह भाव सूचक विस्मयादिबोधक कहलाता है। तो विद्यार्थियों, जो अगला चिन्ह है वह योजक चिन्ह। देखिए, जो छठवां चिन्ह है इन चिन्हों में, तो यह योजक चिन्ह। यहाँ पर योजक चिन्ह से दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ा जाता है। दो, एक या दो शब्दों के बीच हम जोड़ते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं। देखिए, दो या दो से अधिक चिन्हों को जोड़ते हैं वही योजक चिन्ह कहते हैं। यहाँ पर मैंने बताया है माता पिता, और यहाँ पर और बता रही हूँ फल और फूल। देखिए, फल फूल ये दो या दो से अधिक शब्दों को क्या कर रहा है, यहाँ पर मिला रहा है, तो इसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थियों उदाहरण आते हैं, माता पिता, फल फूल, दिन रात, आगे पीछे, जैसे देश विदेश, खान पान, जैसे बहुत सारे दो शब्दों के बीच में हम जो चिन्ह लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं विद्यार्थियों, योजक चिन्ह कहते हैं। आर्णेय चिन्ह, विराम चिन्ह और आर्णेय प्रकार यावदेको अंदरे योजक चिन्ह। योजक चिन्ह ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು, ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ನಡುಕ ನಾವೇನಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡುವಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನ ಜೋಡು ನುಡಿಯ ನಡುವೆ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಜಕ ಚಿಹ್ನ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾತಾ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ದೇಶ ವಿದೇಶ, ಹನ್ನ ಹಂಪಲು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಜಕ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಏಳನೇ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಉದ್ಧರಣ ಚಿಹ್ನೆ. ನೋಡಿ, ಉದ್ಧರಣ ಚಿಹ್ನೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ, ಉದ್ಧರಣ ಚಿಹ್ನ ಅರ್ಥ ಹಾಕಿ, ಜಿಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ದ್ವಾರ ಕಿಸಿಕೆ ಕಥನ್ ಕೋ ಜಯೋ ಕೆ ತಯೋ ಬತಾಯ ಜಾತಾ ಹೇ ಉಸೆ ಉದ್ಧರಣ ಚಿಹ್ನೆ कहते हैं। देखिए, राम ने श्याम से कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, जैसे कि तैसे बताया जाता है, और यहाँ पर राम ने श्याम से कह रहा है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो विद्यार्थियों, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इनके ऊपर जो चिन्ह लगाते हैं, मतलब यह महत्व है, यहाँ पर मदद करना क्या है, एक महत्व वाक्य होता है, तो उनके ऊपर जो चिन्ह लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उद्धरण चिन्ह कहते हैं। नोडी विद्यार्थिगळे, उद्धरण चिन्ह ಏನಿಲ್ಲ, ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮಹತ್ವ ಇರ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ರಾಮ ಶ್ಯಾಮ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೇನಿ, ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದೇನಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವದಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದ ಉದ್ಧರಣ ಚಿಹ್ನೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಉದ್ಧರಣ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಯಾವ್ದು ಮಹತ್ವದಾಗಿರ್ತೈತಿ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗಿ ಡಬಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಮ್ಮಾ ಅಥವಾ ಸಿಂಗಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಮ್ಮಾ ಇಡ್ತೇವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಉದ್ಧರಣ ಚಿಹ್ನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವಿ. ತೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಅಪ್ಪ, ಆಟವಾ ಚಿಹ್ನೆ ಕೋಷ್ಟಕ ಚಿಹ್ನೆ. ದೇಖಿ, ಕೋಷ್ಟಕ ಚಿಹ್ನೆ ಕಿಸಿ ಶಬ್ದ ಯಾ ವಾಕ್ಯಾಂಶ ಕಾ ಅರ್ಥ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕರ್ನೆ उसे उसकी व्याख्या करने के लिए कोष्टक के भीतर रखा जाता है. मतलब अभी एक वाक्य है, वो वाक्य में समझ में नहीं आ रहा,
उसके बीच में हम क्या करते हैं, समझ में आए जैसा कुछ शब्द लिखते हैं वह हम क्या करते हैं, कोष्टक में लिखते हैं, तो इसे कोष्टक चिन्ह कहते हैं। देखिए, राम के अनन्य भक्त ने चुनौती स्वीकार की। देखिए, अनन्य भक्त कौन है, यहाँ पर हनुमान जी है, तो हनुमान क्या करते हैं, कोष्टक में लिखते हैं, तो राम के अनन्य भक्त हनुमान या कोष्टक में इसीलिए लिख रहे हैं कि राम के अनन्य भक्त कौन है यह समझ में आ सके, इसीलिए हम कोष्टक को यहाँ पर उपयोग कर हनुमान लिखते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर राम के अनन्य भक्त हनुमान इतना ही कोष्टक में रख रहे हैं, तो जैसा एक वाक्य समझ में आ सके ऐसा लिखने के लिए कोष्टक उपयोग करते हैं, तो वह कोष्टक चिन्ह होता है। तो आपका विराम चिन्ह का जो अंतिम चिन्ह है विद्यार्थियों, वह है विवरण चिन्ह। तो विद्यार्थी, यहाँ पर विवरण चिन्ह इसीलिए लिखा जाता है, किसी बात का उत्तर, विवरण या उदाहरण अगली पंक्ति में देना हो तो हम यह विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। मतलब यहाँ पर जो कोई भी हम निबंध लिख रहे हैं, निबंध का प्रस्तावन लिखते हैं, तो उसके आगे हम उस प्रस्तावन का विवरण कर रहे हैं, तभी हम यह विवरण चिन्ह डालते हैं। जो वाक्य विवरण करने वाले हैं उसे देखिए, किसी बात का उत्तर, विवरण या उदाहरण के अगली पंक्ति में दे रहे हैं, उससे पहले जो चिन्ह उपयोग कर रहे हैं वह क्या है, विवरण चिन्ह। ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕೋಷ್ಟಕ ಚಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅರ್ಥವನ್ನ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರ ತಿಳಿಬೇಕಾದ್ರ ಒಂದು ಕೋಷ್ಟಕನ್ಯಾಗ ಅದರದ ಅರ್ಥ ಇಡ್ತೇವೆ. ರಾಮ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತ ಯಾರದಪ್ಪ, ಅವರ ಚುನೌತಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತ ಯಾರ ಹನುಮಾನ, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣ ಹನುಮಾನ ಅಷ್ಟೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಷ್ಟಕ ಒಳಗೆ ಇಡ್ತೇವೆ, ಇದು ಕೋಷ್ಟಕ ಚಿನ್ನ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತಿಮವಾದ ಒಂದು ಚಿನ್ನ ಏನಂತಂದ್ರೆ ವಿವರಣ ಚಿನ್ಹ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉತ್ತರ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿ ಬರೆಯುವಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನ ಬರಿತೇವೆ, ಅವಕ್ಕೇನಂತಂದ್ರೆ ವಿವರಣ ಚಿನ್ಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ನೋಡಿ, ಇವೇನದ ಅಂದ್ರೆ ವಿರಾಮ ಚಿನ್ಹ ಆಗೋದ ಅರ್ಥ. ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಒಂದೇದ ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮ, ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮ ಹಿಂದಿ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಿಗದಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎರಡನೇದು ಅರ್ಧ ವಿರಾಮ, ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ ಗಾಯೆ, ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮವನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಹ್ನೆ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಹ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಭಾವ ಸೂಚಕ, ಭಾವನೆ ತನ್ನಿಂತಾನೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ತೈತಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಭಯ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವಿಸ್ಮಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವಾಗ ಭಾವ ಸೂಚಕ ವಿಸ್ಮಯಾದಿ ಬೋಧಕ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಂತರ ಬರುವ ಚಿಹ್ನೆ ಯೋಜಕ ಚಿಹ್ನೆ. ಯೋಜಕ ಚಿಹ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳ ನಡುವೆ ಜೋಡುಗುಡಿಗಳ ನಡುವೆ ಚಿಹ್ನೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತಂದ್ರೆ ಯೋಜಕ ಚಿಹ್ನೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉದ್ದರ್ನ ಚಿಹ್ನೆ, ನಾವು ಡಬಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೋಮಾ ಅಂತ ಮಹತ್ವವಾದನ್ನ ಡಬಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೋಮಾ ಒಳಗೆ ಬರಿತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಉದ್ದರ್ನ ಚಿಹ್ನೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇಲ್ಲ ಕೋಷ್ಟಕ ಚಿಹ್ನೆ, ನಾವು ಕೋಷ್ಟಕ ಒಳಗೆ ಇಡ್ತೇವೆ, ಅದ ಅರ್ಥ ಹೊರಗ್ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ, ಹೊರಗ ರಾಮ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತ ಚುನೌತಿಯನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹನುಮಾನ್ ಜಿ ಅವ್ರ ಹನುಮಾನ್ ಕೋಷ್ಟಕೊಳಗಿಡ್ತೇವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಷ್ಟಕ ಚಿಹ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂತಿಮವಾದ ಚಿಹ್ನೆ ವಿವರಣೆ ಚಿಹ್ನೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇರಲಿ, ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿವರಣೆ ಚಿಹ್ನೆ ಹಾಕಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನ ವಿವರಿಸ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆ ಚಿಹ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ ಇಷ್ಟ ಭಾಗವನ್ನ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡೆರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಬರದ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನ ಬರೀರಿ. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ ಅರ್ಥ, ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ ಒಂಬತ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಇಷ್ಟೇನಂತ ಇವತ್ತಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ.
इना व्याकरण भाग बहुत मुझद मुद्दे अवधि तक होमवर्क विराम चिन्ह अर्थ विराम चिन्ह प्रकार